नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और मैं सफर में हूं, कहीं और हूं, अपने स्टूडियो से बाहर। तो जाहिर सी बात है, जहां हैं जैसे भी हैं, अंबेडकरवादी हैं और बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस को याद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। हमारी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है कि डॉक्टर अंबेडकर को याद करें उनके श्रद्धांजलि दिवस पर। देश में करोड़ों लोग अंबेडकरवादी हैं, सबके सब श्रद्धांजलि दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर जो है एक्टिव होंगे। मैं उन्हें अपना धन्यवाद भी भेजता हूं कि वो एक्टिव हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे देश के महामहिम जी ने कहा, आप ज्ञानी भी हैं और गुणी भी हैं, सोचिएगा जरूर। कहने का तात्पर्य यह है, इस देश का डिप्रेस क्लास अब लाइट में आया है। अब उनकी समस्याओं को सुनना मजबूरी बन गया है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। आपको याद होगा, लोगों ने अंग्रेजों से नफरत क्यों किया, अंग्रेज भारत क्यों छोड़े, क्योंकि अंग्रेजी में बोल बोल कर वह नाइंसाफी करते थे। अक्सर अंग्रेजी बोलने वाला हम भारतवासियों को नासमझ, बेवकूफ, गांव देहाती, गवार ये समझ बैठते हैं और नाइंसाफी करते हैं। अगर अंग्रेजी बोलने वाले न्यायपालिका में हैं और नाइंसाफी करेंगे तो वही हाल होगा जो अंग्रेजों का हुआ था। आम जनता जाग रही है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति ही क्यों, उपराष्ट्रपति जी भी नहीं खड़ी खोटी सुनाती। जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने भी न्यायपालिका को निशाने पर ले लिया। और रही बात ये, जो रिपोर्ट ये कहती है कॉलेजियम सिस्टम, इसमें मात्र 300 परिवार हैं जो अपने बच्चों को न्यायाधीश लगाते हैं। अगर आप सवर्ण हैं, ब्राह्मण है, तो इस मुगालते में, इस सोच में मत रहिएगा कि हमें जुडिशियरी में जगह मिल जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जुडिशियल गिरोह बैठा हुआ है जो अपने ही लोगों को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। और रही बात ये, जेएनयू के जो गेट के बगल में जो दीवारें हैं, वहां पर कैंपस पर यह लिखा हुआ था, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। यह शब्द कौन लिख सकता है? क्या आपको लगता है कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी में से किसी कोई लिखेगा? या यह वही साजिश का हिस्सा है जो हिंदू मुसलमान करते हैं, भिड़वाते हैं, लड़वाते हैं। कहीं वही टीम अब दलित और गैर दलित को भिड़वाने की तैयारी कर रहे हैं? इस तरह के अगर आप ब्राह्मण, राजपूत या किसी भी सवर्ण समाज के खिलाफ दीवारों पर लिखते हैं या लिखेंगे तो वैमनस्यता पैदा करते हैं, दो वर्गों में टकराव पैदा करते हैं और इस तरह से बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, हमारे बहुजन साथी, बहुजन समाज और बहुजन समाज वर्ग के जितने भी लोग हैं, इसका विरोध करें कि ये कोई साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है दो वर्गों को जो है आपस में भिड़वाने का। रही बात ये, बसपा के सांसद रितेश पांडे जी ने ट्वीट करके बताया लोगों को, अगस्त में 7.7% था बेरोजगारी दर और उसके बाद 8% हो गया, यानी 1-1% हर महीने बढ़ रहा है बेरोजगारी दर, देश में रोजगार का अभाव है। रही बात ये, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो अथवा दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह बेरोजगारी का जो मकर जाल है बढ़ता जा रहा है। रही बात ये, अभी तक आप नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में सुनते होंगे कि जो एससी एसटी वर्ग है, जो शोषित समाज है, उसके साथ जुल्म होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कर्नाटक से कई खबरें आ रहे हैं, साउथ इंडिया में भी जो एससी एसटी है उनको पेड़ में बांध कर पीटे जाते हैं। यानी देश में कानून व्यवस्था ना के बराबर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की कहानी बनती जा रही है। और आज 6 दिसंबर है, कल एमसीडी का रिजल्ट आ जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया 250 सीट का एमसीडी है, जिसमें हमें 230 सीट आ रही है, ये उनका दावा है।
कल रिजल्ट सामने आ जाएगा और एमसीडी किसके पाले में जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पार्टी के बारे में दे दिया, दावा कर दिया है। गुजरात में जितने भी गोदी मीडिया है, आम आदमी पार्टी को 2-3 सीट बता रही है, कांग्रेस को 25-30 सीट बता रही है, और ले दे के 182 सीट वाली गुजरात की असेंबली में 150 सीट तक भाजपा को दे रही है। अब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता नहीं उसमें क्या हेरा फेरी हुई है या जेन्युइन में चुनाव हुआ है, जनता ने फिर से भाजपा को स्वीकार किया है, अथवा कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, किस दम पे कहा जा रहा है। और अगर जनता ने चुना है तो चुनाव से पूर्व भाजपा इतनी तनाव में क्यों थी, इतने सारे सारे मंत्री क्यों लगा दिए गए, और इस तरह की कहानी बनती जा रही है। कुल मिलाकर पूरा देश आज की तारीख परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहा है। हम रास्ते रास्ते न्यूज देखते हुए और आपके बीच आ गए और आपको बताने लग गए कि पूरे देश की जो हालात है, जब राष्ट्रपति जी का भाषण आया उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने खरी खोटी सुना दी, और इस तरह से किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर कर दी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कहानी कुछ खराब है। और इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे देश की जो लोअर जुडिशियरी है यानी निचली अदालतों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा है कि जो बंदी छोड़े जा सकते हैं, जिनके ऊपर हल्के केस हैं, उनका निपटारा फटाफट कर दिया जाए, जेलों की जो ओवरलोडिंग है, ओवर क्राउडिंग है, वो कम किया जाए, व्यवस्था कुछ ऐसी हो जहां पर किसी भी वकील साहब को यह ना कहना पड़े कि डिले ऑफ जस्टिस बीइंग डिनाइड ऑफ जस्टिस, आप हमें न्याय नहीं देना चाहते हैं, जबकि कोर्ट को कहा जाता है न्याय का मंदिर यानी टेम्पल ऑफ जस्टिस, तो इसको टेम्पल ऑफ जस्टिस बने रहने देना चाहिए। ले देकर जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत बड़ी इशारा कर दी, और धीरे 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 सब के सब अपना अपना चादर खोलकर सामने आने लग गए कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलतियां हो रही है, और न्यायपालिका के ऊपर अपना अपना जिम्मेदारी डाल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और तीनों यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों मिलकर काम कीजिए और समस्या को निदान कीजिए, यह नहीं कि एक दूसरे पर डालकर अपने आप को बच जाए। ले देकर देश में जो है एससी एसटी वर्ग का यानी बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं वह खुलकर सामने आया है, अब वह लोगों के बीच डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है, हो सकता है मामला काफी कुछ बदलाव हो जाए, बदल जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।